नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण भी किया। ओएसी पर योगी का वार, बोले ये नया यूपी है, यहाँ दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं और संपत्ति कुर्क होती है। योगी ने ट्वीट कर कहा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने की बात करने वालों, हाय बाय तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे ये नया उत्तर प्रदेश है जहाँ सार्वजनिक तौर पर दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क होती है। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। पीएम मोदी ने दी बधाई। पश्चिम यूपी फतह के लिए पुराने दांव आजमा रहे अमित शाह, आज 253 जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। रेलवे पर स्थगित की एनटीपीसी और श्रेणी 1 की परीक्षाएं, जांच के लिए बनाई समिति। परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और श्रेणी 1 की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। बिहार में फिर ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी, तोड़फोड़, आगजनी व फायरिंग के बीच रेल सेवा चरमराई। गणतंत्र दिवस के दिन रिहा होंगे 100 कैदी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कैदियों को रिहा करेगी योगी सरकार। सरकार ने कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया। कैदियों की लिस्ट शासन को भेज दी गई। लखनऊ में अल्फा रेस्टोरेंट पर हजरतगंज पुलिस का छापा। रेस्टोरेंट में हुक्का बार की सूचना पर पहुंची पुलिस, मौके से एक दर्जन से अधिक हुक्का हुआ बरामद। रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई कर रही पुलिस। रेस्टोरेंट मालिक सोएब ताहिर पर दर्ज होगा मुकदमा। कोरोना के मामलों में भारी इजाफा, बीते 24 घंटे में 2,85,000 लोग संक्रमित, 665 की मौत। सक्रिय मरीजों ने बढ़ाई चिंता, नए मामले जो कि मंगलवार की तुलना में 30,000 से अधिक हैं। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।